कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी मंडी जो है यहाँ पर पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। कुछ दो पक्ष हैं जो चाहते हैं, एक पक्ष है जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अव्यवस्था हो रही है पार्किंग की वजह से, कहीं और पार्किंग की जाए, और एक है जो यहाँ पे पार्किंग कंटिन्यू कराना चाहते हैं। इसको लेके आपस में विवाद हो गया, थोड़ी सी उलझन हुई, थोड़ी सी बात हुई, और उसके बाद सबसे समझाइश की गई है और सब जने तितर बितर हो गए। ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में बैठ के बात होगी जी। यहाँ जो अवैध रूप से जो पार्किंग लगाई जा रही है, मैं उसके क्षेत्र की जनता की तरफ से यहाँ इनसे मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग लगे, करोड़ों रुपए लगा के जानवर का अस्पताल के अंदर, नया बाजार के अंदर पार्किंग बनाई गई। यहाँ के अध्यक्ष साहब और इन्होंने उस पार्किंग का स्वागत करा, वहाँ माला पहनी, बोला हमारे लिए बहुत सुविधा हो गई, और आज ये उस बात से मुकर कर वहाँ पर पार्किंग नहीं, गाड़ी खड़ी करने के मूड में नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ हमारी दादागिरी करें, और चारों तरफ किलाबंदी करके इन्होंने यहाँ अवैध पार्किंग रख रखी है, और जिसके यहाँ पे आने जाने में कोई आपातकालीन घटना घट जावे, कोई आग लग जावे, आग चली हो जावे, कोई बीमार पड़ जावे, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, जो व्यक्ति हार्ट अटैक का मरीज हो उसको ऑटो में लाना और ले जाना हो तो ऑटो वाला यहाँ पे आ नहीं सकता इस रोड के ऊपर। इन्होंने मनमानी कर रखी है, फिर भी हमने नगर निगम की तरफ से, नगर निगम ने इनके पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ पे कम से कम 1000 गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था इनको दी है, और फिर भी आज वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए मूड में नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनकी ये बापोती समझ रखी है यहाँ चौक के अंदर, और रोड को अवरुद्ध कर रखा है यहाँ पे बिल्कुल। अभी आप बताएं वापस यहाँ पर पार्किंग लगना शुरू हो गई, जिसमें पार्किंग लगना शुरू हो गई, मैं वापस आज कलेक्टर साहब को कल जाके ज्ञापन देंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं हटा तो फिर वहाँ अनशन पर बैठेंगे। अशोक मुद्दा, वार्ड निगम ने कार्रवाई करी है, क्या हुआ है? आज कस्तूरी चौक पर निगम यातायात विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें कि कस्तूरी चौक पर अवैध रूप से पार्किंग चल रही थी, जिसे हटाने की कार्रवाई हमने पहले विगत 2-3 दिन पहले करी थी, और आज जो है आज हम मात्र समझाइश के तौर पर गए थे दोनों विभाग। समझाइश में ये था कि जो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं और वहाँ के जो पार्षद वगैरह स्थानीय, तो उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो और एक संभव जो भी यथासंभव हल हो वो निकल सके। तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, स्थानीय जो व्यापारी हैं उन्होंने काफ़ी विरोध जताया, फिर उनको अंत में ये समझाया गया कि अभी सिर्फ हम लोग समझाइश के लिए आए हैं। इसी दरमियान हमारे पास जाप्ता भी आ गया था कोतवाली थाना का, तो एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए और समझाइश करते हुए अंत में ये डिसाइड किया गया कि सोमवार को, संभवतया जहाँ तक है सोमवार को, दोनों जो पक्ष हैं वो बैठ करके एक स्थायी समाधान पर निकलेंगे। तो आज पार्षद कहना चाहता है कि पार्किंग से हटाया जाए और वहाँ के जो व्यापारी है वो नहीं हटा रहे। हाँ, तो इसीलिए एक जो है आपसी समझाइश की जाएगी और दोनों पक्षों को बिठा करके वार्तालाप की जाएगी कि जो यथासंभव हल हो सकता है वो निकाला जाए, ताकि दोनों ही पक्ष जो हो वो प्रभावित नहीं हो जाता। तो दोनों पक्षों को देखते हुए जो भी यथासंभव हल होगा वो निकालने की कोशिश की जाएगी। तो किस तरह की कार्रवाई रहेगी? सबसे पहले यथासंभव जो भी हल है वो ही निकाला जाएगा, उसके बाद अगर हल नहीं निकलता है तो भी जो अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी वो निश्चित की जाएगी, वो हमारे उच्च प्रशासन द्वारा उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।